एवरीवन, कैसे हैं आप? सो ये स्पेशल मैसेज है हमारे यासिर नवाज सर के लिए। आई जस्ट लव दिस मूवी, बहुत 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 अच्छी है, और आप सब लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि लाजमी देखें। मैं सिर्फ इनकी वजह से गई थी, फिर इनकी सबकी फ़ैन हो गई हूँ, पहले भी थी और ज़्यादा हो गई हूँ। एंड क्यूट सा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, ये है ईद का पहला दिन। रात को हम मूवी देखने चले गए थे लेट नाइट, क्योंकि इतना ऐसा कुछ करने को था नहीं। तो हमने सोचा मूवी देखें, तो काफ़ी हम लोग थे कि यार कौन सी देखें। फिर हमने देखी चक्कर, बिकॉज मुझे नीलम मुनीर पसंद है, यासिर नवाज़, निदा यासिर, ये सब लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा यार मूवी भी अच्छी होगी, और हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं यासिर नवाज़ की मूवी का। तो यस, हमने मूवी देखी, बड़े ही मज़े की मूवी थी। उसके अंदर नीलम मुनीर थी, एहसन खान थे, जावेद शेख थे, यासिर नवाज़ खुद थे, और भी काफ़ी सारी कास्ट थी यार। औरों से जितनी भी मूवीज़ अभी लॉन्च हुई हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे रिव्यूज़ इस मूवी के ज़्यादा अच्छे लगे। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, एंटरटेनिंग थी, और हम सबको क्या चाहिए यार, एंटरटेनमेंट। और काफ़ी टाइम बाद ये मूवी लगी थी, मतलब सिनेमाज में आफ्टर कोविड, आई गेस 2-2.5 साल बाद सिनेमाज खुले हैं दोबारा से, कैसे ना जाते, बिकॉज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ पसंद है। आपको याद होगा हम हर अच्छी से अच्छी और बेकार से बेकार मूवीज़ देखते थे। बहरहाल, सो इस तरह से ईद गुजर गई यार। इस बार की ईद बहुत ठंडी गुजरी है, मतलब इतना ऐसा कुछ था नहीं करने को, बस घर में ही गुजरी है, या थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए हम। कोई ऐसी ही नहीं बोलेंगे ऐसेज के बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही, बिकॉज़ वो अचानक वाली जो ईद होती है ना, वैसे उसकी बात ही अलग होती है। अब ये सुकून वाली ईद, हम ना शुक्रे लोग हैं, सुकून की ईद हो तो भी नहीं, अगर अचानक ईद हो जाए तो भी नहीं, तो मतलब ऐसा सीन है। बहरहाल आप लोग कॉमेंट्स में बताओ आप लोग की ईद कैसी गुजरी यार। हमने तो खाया पिया बहुत ही मज़ेदार, मेरी बहन ने बिरयानी बनाई हुई थी, चिकन बिरयानी। पहला दिन जो था वो हमने 2-4 जगह हम गए, और उसके बाद खाना जो था वो मैंने अपनी अम्मी के घर पर ही खाया था, मैंने, काशिफ ने। अजान की पहली ईद थी तो हम बहुत एक्साइटेड थे, अजान का शूट करवाया अपना, बहुत अच्छा प्यारा सा शूट करवाया, और बहुत सारी चीज़ें हुई। पीछे आप लोग मेरे देख रहे होंगे मूवी, ये नीलम मुनीर और एहसन खान के सीन्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चक्कर, मतलब सच में इन्होंने चक्कर नाम सही रखा है, क्योंकि मूवी में चक्कर चक्कर चक्कर, मतलब आप सोचोगे कि यार अब क्या होगा, इस टाइप वाली मूवी है। तो आप लोग लाजमी जाओ देखो। हमने देखी थी भाई एट्रियम मॉल में, न्यूप्लेक्स वगैरह का आई गेस 1000 रुपीज़ होता है, न्यूप्लेक्स का 1000 होता है। हमने एट्रियम में देखी थी, 700 टिकट था इसका, और एट्रियम में ही हम शुरू से एक्चुअली देखते थे, लेकिन एट्रियम का ना एसी काम नहीं करता, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी एट्रियम में देख लो आप लोग अगर जाना है तो, एसी काम नहीं करता तो फिर काफ़ी आपको ना नहीं सही रहता। अच्छा, बाकी न्यूप्लेक्स वगैरह आप जा सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा और मज़ा आता है मूवी देखने में। इसी तरह जो है वो बस ये सारा टाइम हमारा गुजरा। इंशाल्लाह और व्लॉग मैं एडिट करूँगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, तो उसकी वजह से एडिट नहीं हो पा रहे हैं व्लॉग्स, वरना मेरे पास ईद के व्लॉग्स वगैरह हैं, जहाँ जहाँ गए थे मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाई थी। चलो आप लोग मूवी देख के एंजॉय करो। जेल से भागने में मेरी मदद करेगा और तुम इंश्योरेंस के पैसे निकालोगे। तो जेल जाने की क्या जरूरत है, इंश्योरेंस की रकम वैसे नहीं निकल सकती है क्या? 100 करोड़ है मेरी जान, 100 करोड़। कातिल गिरफ्तार हो जाए तो इंश्योरेंस वालों को यकीन हो जाएगा दैट इट्स अ मर्डर, ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है, वरना हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और सर, एक बार वो इंश्योरेंस की रकम निकलवा ले तो उसे उसकी बहन के पास भेज देंगे। और ये इंस्पेक्टर ये सब किस लालच में करेगा? तुम्हारी मोहब्बत में, बचपन से जानता हूं उसको, दो ही कमजोरियां, एक औरत और दूसरा पैसा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और हाँ, ये मर्डर का प्लान तुम उसको नहीं, वो तुम्हें बताएगा। 100 करोड़ तुम्हारे हो सकते हैं। और फिरौन? हर फिरौन की किस्मत में डूबना लिखा होता है। तुम्हें उसके सामने मासूम बन के रहना है। मैं तो हूँ ही मासूम। कभी देख लो, बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। तो
हाँ जी, सो देख रहे हो आप ये मूवी, इसमें भाई सीन ये होता है, मूवी स्टार्ट ऐसे होती है, नीलम मुनीर जो है वो दो दो नीलम मुनीर आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है जी। सो एक जो होती है वो एहसन खान की वाइफ होती है, दूसरी साली होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बड़े मज़ेदार सी कहानी है, एक जो है वो सुपरस्टार होती है और दूसरी जो होती है वो एक सिंपल हाउस वाइफ होती है, जो एहसन खान की वाइफ होती है। तो फिर वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को कुछ वन वीक के लिए चेंज करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं आपस में, और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत मज़े की है, मतलब आप लोग इन्जॉय करोगे। तो मैं बोलूँगी अगर मूवी देखने जाना है तो आप लोग लाजमी जाओ बिला फिक्र करके, बिला फिक्र होके। सो आई होप कॉपीराइट क्लेम ना आए इस वीडियो में, ताकि आप लोग मूवी देख सको तो थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाए। अदरवाइज़ यस, आज का व्लॉग यहीं तक ही है। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ईद का व्लॉग है, बहुत सारी चीज़ें एडिट करूँगी, ऐसा ऐसा आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी थोड़ा सा ईद से ही बाहर नहीं निकल पाए, ज़ाहिर है आपको पता है दावत है, दूसरी 100 चीज़ें हैं घर में और अजान के साथ, वेरी डिफ़िकल्ट वीडियो एडिट करना। बहरहाल चलें, अब रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ईद की पिक्चर्स देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है, टाटा। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग मूवी देखने आए थे, मूवी ख़त्म हो गई है। अंदर मूवी में मतलब लाइक अंदर थिएटर रूम में अलाउ नहीं होता वीडियो बनाना, तो नहीं बना सकी, बट यस बहुत अच्छी मूवी थी, चक्कर आप लोग भी देख करो। एंड मेरा ईद लुक बताओ कैसा लग रहा है। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ने दिलाया है, और हस्बैंड लॉन का जोड़ा भी दिलाए ना 200 रुपए वाला, तो मतलब उसमें बीवी खिल सी जाती है। सो सारे हस्बैंड गिफ्ट्स दे दिया करो यार।